असम में रैली के दौरान लगी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे विवाद बढ़ा तो आयोजक ने दिया ये जवाब। असम के सिलचर के बराक घाटी में 1961 के भाषा आंदोलन के दौरान 11 युवाओं के बलिदान की याद में स्मृति रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। असम के सिलचर में आयोजित स्मृति रैली को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब रैली के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। लोकसभा चुनाव के बीच सपा विधायकों से अमित शाह की मुलाकात, अखिलेश यादव की बढ़ेगी टेंशन। लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह से मुलाकात की है। अमित शाह ने सपा विधायकों से मुलाकात अमेठी में राजेश मसाला के घर पर की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अमेठी में रोड शो के बाद सपा विधायकों से मुलाकात की है। अमित शाह ने सपा के जिन विधायकों से मुलाकात की है वह सपा के बागी विधायक हैं। महाराष्ट्र में थमा लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का चुनाव प्रचार, जानिए किसका किससे है मुकाबला। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए आज चुनावी प्रचार थम गया है। मुंबई की 6 सीटों समेत कुल 13 सीटों पर सोमवार 20 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनावी रण में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अभिनेता राजनेता भूषण पाटिल और सरकारी वकील उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़ जैसे प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिस पर सभी की नजर बनी रहेगी। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला का बड़ा बयान, बाला साहेब ठाकरे की इच्छा, महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना। शर्मिला ठाकरे ने आगे कहा, मुझे लगता है कि राज ठाकरे को यकीन है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही महाराष्ट्र की मांगे मोदी के सामने रख दी हैं। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगी कि बाला साहेब ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि अगर मैं कांग्रेस के साथ जाऊं तो मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूं कि वे बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की इच्छा को पूरा करें। यही मैं कहना चाहती हूं। मेरा मानना है कि लोगों को लोगों की भलाई के लिए सरकार लानी चाहिए। कन्हैया कुमार पर हमले की सुप्रिया सुले बोली, लोकतंत्र में हिंसा की कोई। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया है कि मनोज तिवारी के समर्थित लोगों ने उन पर हमला बोला है। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी को देश के संविधान पर हमला नहीं है। एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ हुई मारपीट मामले की निंदा की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सीएम योगी बोली, अब कृष्ण को इंतजार नहीं करवाएंगे, अयोध्या से मथुरा की ओर जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने उत्तर मध्य मुंबई से बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब कृष्ण को इंतजार नहीं करवाएंगे, अब हम अयोध्या से मथुरा की ओर जाएंगे। जो उत्साह पूरे देश में देखने को मिला वही उत्साह महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को चंद्रशेखर ने दिया समर्थन, कुशीनगर सीट पर दिलचस्प मुकाबला। आजाद समाज पार्टी से समर्थन मिलने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का आभार जताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि आजाद समाज यानी कांशी राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का कुशीनगर लोकसभा 65 से अपना समर्थन राष्ट्रीय शोषित समाज के प्रत्याशी यानी मुझे दिया, जिसके लिए एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। पटना पहुंचे प्रहलाद जोशी ने कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव को लपेटा, कहा बिहार में बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप। पटना में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज यानी 18 मई को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने लक्ष्य रखा है वैसा क्लीन स्वीप करेगा। जिसको झांसी की रानी कहते थे उसके लिए स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर हमला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोला है। बीजेपी ऑफिस आने के सीएम केजरीवाल के बयान पर वीरेंद्र सचदेवा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि आज 6 दिन हो गए आपके आवास पर महिला के साथ अभद्रता की गई, लेकिन पीसी में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भोपाल में लगी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वीडियो वायरल, आरोपी को थाने लेकर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद युवक को बजरंग दल के पदाधिकारी नारे लगाने वाले युवक को पकड़कर थाने ले गए। आरोपी के खिलाफ धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया गया है।